वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम पेड़ा बनाए हैं। यह पेड़ा हमारा बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत इजी है। क्रीम से अक्सर हम घी निकालते हैं और उससे जो खुरचन बचता है उसको हम फेंक देते हैं। चलिए आज हम टेस्टी पेड़ा को बनाते हैं। हम मलाई लिए हैं, मलाई को पैन में डाल देंगे और इनको हम गैस पर रख कर इससे पहले घी निकालेंगे। अगर हम डायरेक्ट मलाई से घी निकालते हैं तो खुरचन हमारा ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अगर हम मलाई से क्रीम निकालते हैं और क्रीम से घी निकालते हैं तो खुरचन कम मात्रा में निकलता है। आप जिस तरीके से घी बनाना चाहें उस हिसाब से घी बना लें। घी निकालने के बाद इतना हमारा खुरचन निकला हुआ है, इसमें हम आधा लीटर दूध डाल देंगे। हमें पेड़ा बनाना है और पेड़ा का अच्छा टेस्ट आए उसके लिए इसमें हम दूध डाल देंगे और इनको हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहते हैं। कुछ देर में देखेंगे कि सारा खुरचन दूध में मिक्स हो गया है और यह गाढ़ा घोल में बन गया है। खुरचन में जब हम दूध डाल देते हैं और उससे जब हम खोआ बनाते हैं तो पेड़ा हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है और खुरचन का टेस्ट नहीं आता है। और इनको चलाते हुए हम ड्राई करेंगे। इस तरीके से यह एक खोआ के फॉर्म में तैयार हो गया है। इसमें मीठा के लिए हम चीनी डालेंगे। आप हल्का मीठा पसंद करें या ज़्यादा मीठा में मिठाई बनाना पसंद करें उस हिसाब से चीनी डाल दें। और इनको लगातार चलाते हुए चीनी को हम खोआ में मिक्स करेंगे। जैसे जैसे चीनी गर्म होने लगता है यह पिघलता है और खोआ एक बार फिर से पतला हो जाता है। इनको हम चलाते हुए फिर से ड्राई करेंगे जिससे पेड़ा हमारा आराम से बन जाए। कुछ ही देर में देखेंगे कि यह फिर से ड्राई हो गया है। इसमें टेस्ट के लिए हम ग्रेट किए हुए नारियल को डालेंगे। आप चाहें नारियल के साथ बनाएं या सिंपल तरीके से पेड़ा को बनाएं। और नारियल को हम खोआ में अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सारा नारियल खोआ में मिक्स हो जाएगा तो लास्ट में इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। पेड़ा में इलायची पाउडर का टेस्ट अच्छा आता है, इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से यह हमारा एकदम ड्राई खोआ बनके तैयार हो गया है। यह पेड़ा बनाने के लिए परफेक्ट है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं। अभी खोआ काफ़ी गर्म है, इससे जब हम पेड़ा बनाएंगे तो हाथ हमारे जल जाएंगे, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। जब यह हाथ से टच करने लायक रहेंगे तब हम पेड़ा को बनाएंगे, इसलिए इनको चलाते हुए हम कुछ ठंडा करेंगे। जब खोआ हल्का गर्म रहेंगे तब हम पेड़ा को बना लेंगे जिससे यह बहुत ही इजीली बन जाएंगे। आप पेड़ा को जितना छोटा या बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से गोला लेंगे और इनको हल्का फ्लैट करेंगे। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से अपना टेस्टी पेड़ा बना लेंगे। अगर आप पेड़ा को डिजाइन में बनाना चाहें तो डिजाइन में भी बनाएंगे, जिसके लिए हम साचा का यूज नहीं करेंगे, घर के चीज़ों से ही हम डिजाइनदार अपना पेड़ा बनाएंगे। उसके लिए यह छन्नी लेते हैं जिससे अक्सर हम पूरी या नमकीन को छानते हैं। उसके पीछे हम चकली को प्रेस करके इस तरीके से हम डिजाइनदार पेड़ा को बनाएंगे, जो बिना साचा का बहुत ही अच्छा डिजाइन में पेड़ा हमारा बनके तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें इसका एक अलग डिजाइन बनाना तो अक्सर ग्लास के कटोरियों पर डिजाइन बने होते हैं पीछे की तरफ, उस पर भी इनको हम प्रेस करके अपना डिजाइनदार पेड़ा बना सकते हैं। या घर में बहुत से ढक्कन होते हैं जिस पर डिजाइन बने रहते हैं, उस पर भी इस पेड़ा को हम प्रेस करके एक डिजाइन में पेड़ा को बना सकते हैं। इस तरीके से हम सभी पेड़ा को बना लेते हैं। पेड़ा को हम दो डिजाइन में बना लिए हैं। इस तरीके से यह हमारा वेस्ट मटेरियल समझने वाले चीज़ से एक टेस्टी पेड़ा बनके तैयार हो जाता है, जिसको छोटे या बड़े दोनों बहुत पसंद करते हैं और खाने में भी एकदम खोआ के पेड़े की तरह टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें।